नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं वो ऑनलाइन वीडियो में जुड़ जाएं, क्योंकि एक अहम जानकारी लेकर आपके बीच में आए हैं। लगातार बच्चों की क्वेरीज थी कि क्या कक्षा 12वीं की परीक्षाएँ जो हैं वो होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ परीक्षाएँ जो हैं 12वीं कक्षा की वो बची हुई हैं, और अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो कल ही के दिन एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई है, जिसमें स्टेट्स, यूटी एजुकेशन मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिशियल्स जो थे उस डिस्कस मीटिंग में जो थे वो मौजूद थे, और 12वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उसको करवाना है कि नहीं करवाना है, ये मेन मुद्दा था उस मीटिंग में। उस मीटिंग को चेयर जो था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने किया, तमाम मंत्रिमंडल उनका उनके साथ था, उनके सहयोगी उनके साथ थे। क्या निष्कर्ष निकला है ये बताऊंगा, और मैं चाहूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वीडियो को शेयर जो है वो साथ में करते जाइएगा, क्योंकि अहम जानकारी है और मैं चाहूँगा कि ये जानकारी तमाम बच्चों तक जो है वो पहुँचे, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो हैं वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। एक तो उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और दूसरी उनको ये पता नहीं चल रहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे कि नहीं होंगे। मैं इस समय सेंट पीटर हाई स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स जो हैं कुछ स्टेट्स जो हैं वो एग्रीड हैं कि 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो होनी चाहिए, और कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपोज़ किया है, कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपोज़ किया है कि 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वह नहीं होनी चाहिए। ये मिली जुला जो रहा पूरी मीटिंग में, और कुछ स्टेट्स कहती हैं कि लिया जाना चाहिए, एग्जामिनेशन होने चाहिए, बच्चों को ऐसे मास प्रमोशन नहीं दिए जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसके अंदर दिल्ली के अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें मनीष सिसोदिया, तो वह साफ तौर पे जो थे अपोज़ करते हुए नज़र आए, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम एग्जामिनेशंस करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव जो आ रही है जब तक बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते तब तक हम कोई भी एग्जामिनेशंस जो है उसे कंडक्ट करवाएं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी एग्जाम अपडेट बता रहा हूं आपको, और अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स कहते हैं कि कंप्लीट एग्जाम्स, मेन सब्जेक्ट एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स या फिर इंटरनल असेसमेंट्स के बिहाफ पर बच्चों को जो है वो प्रमोशन या बच्चों का जो रिजल्ट्स है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंप्लीट एग्जाम्स होने चाहिए ये डिस्कशन किया गया, या फिर मेन सब्जेक्ट्स जो रहते हैं स्कूल्स के अंदर सिर्फ उनका एग्जाम्स जो है वो लिया जाना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर डाला जाना चाहिए बच्चों के लिए, या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाया जाए, फिर यहाँ फिर कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि फिलहाल जो कल का डिसीज़न हुआ है और कल की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई डिसीज़न जो है वो सरकार नहीं ले पाई है, और इतना कहा है कि मई 30 जो रहेगी उसमें फाइनल डिसीज़न आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि सरकार चाहती है कि एग्जामिनेशंस हों, सरकार चाहती है कि 12वीं के बच्चे जितने बचे हुए हैं उनके एग्जामिनेशंस हम कंडक्ट करवाएँ, लेकिन सिर्फ एक ऐसी मात्र स्टेट जिसके साथ दिल्ली जो नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशंस में बैठें, क्योंकि जो कल की मीटिंग हुई है उस मीटिंग की अगर बात करें तो CBSE क्लास 12th और अदर स्टेट बोर्ड्स जो है उन्होंने और साथ में जितने भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो सारे तमाम एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कंडक्ट करवाना चाहती है, लेकिन जो कंसेंसस है प्रोसेस का वो ड्यूरेशन या टाइमिंग जो है उस पर चर्चा रही, उस पर मंथन हुआ। स्टेट्स और यूटीज़ की अगर बात करें तो उनको हिदायतें दी गई हैं कि आप रिटर्न में जो है वो अपनी फीडबैक जो है वो सबमिट करवाएं मई 25 तक, यानी कि हर एक स्टेट को अब अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 25 तारीख तक रिटर्न में बताए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन जो हैं वो होने चाहिए। लास्ट में मई 30 जब आएगी तो सेंटर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एक डिसीज़न लेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि एग्जामिनेशंस किस तरीके से होंगे। एक बात तो तय है कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के मूड में है सरकार, और दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसने अपोज़ किया है कि हम एग्जामिनेशंस जो हैं वो नहीं लेना चाहते, हम नहीं चाहते बच्चों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगती तब तक बच्चे जो हैं वो थर्ड वेव जो आ रही है उसका शिकार हो जाए।
क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहती है कि एग्जामिनेशन तो हों लेकिन बच्चे जो हैं किसी तरीके से या तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएं या फिर मेजर एग्जामिनेशन, मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं उसको, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप डाल दिया जाए पेपर, या फिर हिस्टोरिकल। खाली दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो ये चाहती है कि हिस्टोरिकल बेसिस पर जैसे टेंथ का एग्जामिनेशन हुए हैं वैसे ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, बच्चे जो हैं इन्फेक्शन के जो आगोश में ना जाए। ये कल का एक निर्णय था जो लिया गया और अब फाइनल डिसीजन 30 तारीख को आएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है, तमाम बच्चों तक जो है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर रहे कि एग्जामिनेशन उनके होंगे, उनको किसी भी तरह की मास प्रमोशन जो है वो नहीं मिलने वाली। चाहे जेके बोर्ड की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 12वीं के बच्चे जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा और आप प्रिपेयर रहिएगा, आपके एग्जामिनेशन होंगे। आप ये आश्वस्त मत रहिएगा कि हमारे एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन हैं, अब हमारे एग्जामिनेशन नहीं होने वाले। एग्जामिनेशन आपके होंगे, अब फॉर्मेट कैसा होगा ये तय किया जाएगा, उसकी ड्यूरेशन टाइमिंग को कम किया जा सकता है, फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन आपके करवाए जाएंगे। ये सरकार का फैसला है और मई 30 जब आएगी तब आपके बीच में फिर हाजिर हो जाऊँगा और तब आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन किस शक्ल में, किस रूप में जो है वो सरकार लेना चाहती है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बढ़े रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।